श्रीलंका में पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई, पीएम के घर पर आगजनी करने वाले 3 गिरफ्तार। रनिल विक्रम सिंघे के निजी घर को लगाई थी इन्होंने आग। कोलंबो में प्रदर्शन के दौरान जलाया गया पीएम का घर। सवाल यह है कि इसमें यह भी उंगलियां उठ रही थी कि खुद पुलिस वाले भी इस आगजनी में शामिल थे, तो क्या फौरन ही किसी को कल्प्रिट बनाकर स्टेट मशीनरी को उससे आइसोलेट करके ये दिखाने की कोशिश है कि नहीं ये लोग नहीं थे या इनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि रनिल विक्रम सिंघे को के घर को जब आग के हवाले किया गया तो ये कहा गया कि ये प्रदर्शनकारी तो थे लेकिन पुलिस वाले भी इसके इनकी मदद कर रहे थे और वो भी हैंड इन ग्लव्स थे। इस सिचुएशन को संजय भारद्वाज के लिए कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पहली बार साउथ एशिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी, देखो तख्ता पलट हुए हैं, पाकिस्तान में भी हुए हैं, बांग्लादेश में भी हुए हैं, कि जनता ने तख्ता पलट कर दिया। ये पहली बार हुआ है कि आपने राष्ट्रपति के घर पे कब्जा किया, प्रधानमंत्री के घर पे कब्जा किया, और वो प्रधानमंत्री जिसको लाया गया था। बेसिकली ये क्या हो रहा है कि जो इनका जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो चाहे वो अपोजिशन का हो अपोजिशन का हो, राजपाक्से ब्रदर ने यूएनपी, विक्रम सिंघे कौन थे? विक्रम सिंघे अकेले व्यक्ति थे पार्लियामेंट में जिनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, कोई सपोर्ट नहीं था और उन्होंने किसी भी तरीके का राहत नहीं बढ़ाया। दूसरा जो पहलू है कि देखिए, अब सवाल कहाँ आता है कि एक राजनीतिक समाधान की बात करते हैं या संवैधानिक समाधान की बात करते हैं? संवैधानिक समाधान की बात करते हैं तो क्या होता है? अभी समाधान की तरफ तो हम जाएंगे सर, अभी तो समाधान दिखाई नहीं दे रहा है और कह रहे हैं कि श्रीलंका को इस स्टेज से उभरते उभरते कम से कम 2 से 4 साल लगेंगे। क्या इसमें कोई प्रोजेक्शन भी दे सकता है कि श्रीलंका उभरेगा तो कितना वक्त लगेगा? ये बड़ा अहम सवाल है कैप्टन श्याम। ये समाधान तो अभी बहुत दूर दिखाई दे रहा है। ये आग जो इतनी भीषण लगी हुई है, लोग वहां दाने दाने को मोहताज हैं, अचानक से कहा यह जा रहा है कि 10 लाख के आसपास लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, इस स्थिति से कब उभरेगा श्रीलंका? बिल्कुल, देखिए अभी पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं, उनकी एवरेज जो इनकम कहिए पर डे 200 से 300 रुपये इंडियन रुपीज के हिसाब से लगाएं तो ऐसा हो गया है और माहौल काफ़ी गहराता जा रहा है। और इसको समझने की ज़रूरत है कि मैं ऐसा मानता हूं कि चाइना एक फैक्टर है, ये एक साइक्लिक रिएक्शंस हुए हैं जो एक साथ मिलकर लगातार जुड़ रहे थे। अंदेशा दिख रहा था, आहट समझ नहीं पाई कंट्री और उनकी नीति और पॉलिसी, जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, टैक्स कटिंग की बात करें या फिर फर्टिलाइजर को इंपोर्ट ना करने दें, और फिर जो आपने लोन लिया था, चाइना का लोन लिया था उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने वापस भी लोन उनसे ले लिया, उनको खुद ही अपनी वेंडरिंग कर दी मर्चेंट्स के साथ और वापस भी किया लोन। जापान का तो लोन उनसे ज़्यादा पड़ता है, 11% पड़ता है GDP का, और IMF से उन्होंने 16 बार लोन लिया हुआ है। समाधान की बात करें तो अब 17वां लोन शायद उन्हें लेना पड़े, इंडिया दूसरा रास्ता खोलता है और शायद अपनी नीतियों में परिवर्तन, इससे हमें लेशन में बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं।